अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलिस्बा के रेसिपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो सर्दियां आ गई हैं और ड्राई फ्रूट के लड्डू जो है सभी को जरूरत पड़ती है खाने के लिए, इसलिए कि सर्दियों में जो है कमर दर्द, सर दर्द और सर्दी जुखाम ये सब लगा रहता है। तो इसके लिए ये बहुत हेल्दी और बहुत ही ताकतवर होता है ड्राई फ्रूट के लड्डू, बिना चीनी बिना गुड़ के हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बिना शुगर वाले, शुगर वाले भी खा सकते हैं, बिना शुगर वाले भी दोनों खा सकते हैं। तो इसमें ना चीनी की जरूरत है और ना गुड़ की जरूरत है। तो हम आपको दिखाएंगे हमें किन किन चीजों से ये ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाना है। तो ये सर दर्द, कमर दर्द, थकान, कमजोरी और पूरे शरीर को जो है ताकत से भर देगा और आपके शरीर को ताकत दे देगा। और आप इसको खाएंगे तो कम से कम 4 से 5 महीना आपके शरीर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और ताकतवर रहेंगे, आंखों की रोशनी बढ़ाएगी और शरीर की कमजोरी दूर करेगी। तो आप किसी दवाई, किसी एनर्जी पाउडर से बेहतर यही होता है कि आप अपने घर में लाइए और रियल चीज के लड्डू बनाइए और बना के खाइए। फिर आप देखिए इसमें कितनी ताकत होती है, कुदरती ताकत है और कुदरती चीज है। कुदरती चीजों में जो चीज पाई जाती है वो बनावटी में नहीं है। तो हमारा तो यही राय है कि आप लोग जो है सर्दियों में अक्सर ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएं, खाएं। अगर अल्लाह पाक उस लायक आपको किया है तो आप जरूर इसको सर्दियों में खाएं। जो थोड़ा एजड लोग होते हैं 40 के ऊपर, उनको तो सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। उनकी ताकत की कमी हो जाती है, शरीर में जो है एनर्जी की बहुत कमी हो जाती है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों जोड़ों में दर्द रहता है। तो इन सब चीजों के लिए बहुत बेस्ट, बहुत ही अच्छी जो है रेसिपी है ये। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि हमें किस तरीके से बनाना है। तो ये हमने ले लिया है जो है 1 कटोरा भर के अखरोट कट काट के, और 1 कटोरा भर के बादाम, 1 कटोरा भर के, 1 कटोरे से थोड़ा कम काजू और 1 कटोरा खजूर। और इसमें हमने लिया है पीली वाली किशमिश 1 कटोरी और ग्रीन वाली, ब्लैक वाली किशमिश 1 कटोरी, और इसमें हमने लिया है गरी 1 कटोरी, पतले पतले उसके कद्दूकस से छिलके निकाल के। आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं, कोई वो नहीं है। और इसमें हमने लिया है 3 तरह के यानी पल्स बीज, यानी जैसे कद्दू के बीज हैं, खीरे के बीज हैं और मगज के बीज हैं। तो इसको पम्पकिन सीड भी कहते हैं और खीरे की भी सीड कहते हैं और मगज के भी सीड कहते हैं। और 1 कटोरी भर के खसखस। तो सारे ड्राई फ्रूट को जो है हम बादाम को भून के निकाल लिए हैं, बाकी सारे ड्राई फ्रूट इसमें काजू, किशमिश येलो वाली किशमिश और उसके बाद जो है ब्लैक वाली किशमिश, तीनों एक साथ हम इसको भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, इसलिए कि इसमें बहुत कम टाइम लगता है, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता, ये अच्छे से भून जाता है। अब इसमें हम डालेंगे पिस्ता, 1 कटोरी पिस्ता हमने लिया है और 1 कटोरी भर के गरी लिया है। तो ये दोनों बहुत जल्दी, इसमें ऑयल ज्यादा होता है तो ये फटाफट से भुन जाते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे 1 कटोरे में, जिसमें हमने सारी ड्राई फ्रूट निकाली है उसी प्लेट में इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए गरी जो है हमारा, मैंने कद्दूकस से बड़े बड़े टुकड़ों में कर लिया। अभी जब ये ड्राई हो जाएगा, मतलब यानी रोस्ट हो जाएगा, तो ये अपने आप टूट जाएगा टुकड़ों में। फिर हमने डाला 1 चम्मच घी और इसमें डाल दिया है, यानी खीरे की सीड्स है, ये मगज के सीड्स है और ये है पम्पकिन के सीड, यानी जिसको कद्दू कहते हैं। तो अगर आपके पास इतना ड्राई फ्रूट नहीं है या इतनी मतलब वो नहीं है, तो आप जो है जितना भी है उतने में ही बनाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सब चीज अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तीनों को भी हमने थोड़ा सा जो है 3 से 4 सेकंड तक ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसलिए कि ये भी बहुत जल्दी जो है चटकने लगते हैं। तो इसको भी हम निकाल लेंगे 1 प्लेट में। फिर वापस से हमने कढ़ाई रख दिया, उसमें घी नहीं ऐड किया है, खसखस को हम सूखा इसको
ड्राई रोस्ट करेंगे यानी भुनेंगे। ये बहुत जल्दी जो है भुन जाता है, अगर इसमें अगर हम गरी या कोई ऑयल वगैरह डाल के भुनेंगे तो ये चिपक जाता है। तो इसको अभी हमें अलग रखना है, सभी के साथ मिक्स नहीं करना है। तो ये भी देखिए कितने अच्छे से भुन गया, कलर कितनी अच्छी आ गई है, पिंक पिंक। तो चलिए हम सभी चीजों को भून के साइड में रख लेते हैं। बारी आती है खजूर की। ये खजूर हमारा 250 ग्राम है, इसको हम अच्छे से हाथों से मैक्स कर लिए थे। ये बहुत मुलायम था और बहुत नरम वाला खजूर था। अगर आपके पास टाइट वाला है तो आप कद्दूकस से कस कर सकती हैं, अगर मुलायम है तो आप हाथों से भी दबा के इसको मैश कर सकती हैं। तो हमने इसको जो है हाथों से दबा के मैश कर लिया है, तो ये भी खूब अच्छे से मैश हो गया है। और इसको जो है इसमें हमने घी घी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऐसे हमने सूखा थोड़ा सा ड्राई किया है कि हमको कम से कम 1 महीने तक आप स्टोर करके इसको खा सकते हैं। अगर ज्यादा बनाते हैं तो पूरी सर्दी स्टोर करके खा सकते हैं। तो हमने सब मिला के आधा किलो यानी 500 ग्राम के करीब हमने बनाया है। तो ये खूब अच्छे से जो है ये भी भुन गया है, ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट यानी मेवा सब डाल देंगे जितना है इसमें टोटल। इन सबको हम डाल के और खूब अच्छे से जो है इसको भून लेंगे। ये देखिए भून नहीं लेंगे, गैस को हमने सॉरी बंद कर दिया है। इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे यानी एक दूसरे में चिपक जाए। तो खूब अच्छे से मैक्स हो गया है और एक दूसरे में चिपक गया है। तो इसको हम गैस को बंद कर दिए हैं और ये रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके जो है हम लड्डू बनाएंगे। तो आप सर्दियों में इसको खाएं और इसके बाद फिर देखिए ताकत कमजोरी दूर भगाए और ताकत शरीर में एनर्जी भर के आए। तो ये देखिए, तो चलिए वॉचिंग द लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मम्मी इतने में